कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइस, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटा मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और आगे जाकर ये मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइस, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। गाइस, अब आप बताइए कि आपको फेसबुक का पुराना नाम अच्छा लगता था या नया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, कई बार जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या वो वेजिटेरियन है, तो उनमें से कुछ लोगों का जवाब होता है कि हाँ, हम तो वेजिटेरियन है, बस सिर्फ अंडा खाते हैं। लेकिन फिर कई लोग सोचने लगते हैं कि अंडा खाने वाला वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि अब ऐसा अंडा भी तैयार हो गया है जो कि पौधे से बना है। पौधे से बना ये उबला अंडा दिखने में बिल्कुल मुर्गी के अंडे के जैसा ही है और इसे बनाने में वनस्पति तेल और जल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे वेजिटेरियन अंडा कहा जाता है। गाइस, क्या आपने भी ये अंडा देखा या खाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर अपनी नाराजगी दिखाई। और तो और, फैंस ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनके धर्म को लेकर ट्रोल किया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। पर सहवाग ने ट्रोल कर रहे फैंस को जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद शमी को ऑनलाइन निशाना बनाया जाना स्तब्ध करने वाला है और हम उसके साथ हैं। वह एक चैंपियन है और जो भी भारत की कैप पहनता है उसके दिल में भारत किसी भी ऑनलाइन उपद्रवी से अधिक होता है। हम आपके साथ हैं शमी, अगले मैच में जलवा दिखा दो। ये था सहवाग का जवाब। गाइस, सहवाग के इस जवाब पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ट्यूशन फीस के चक्कर में बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते और गरीबी की वजह से कई बच्चे कचरा उठाने पर मजबूर हैं। पर असम गुवाहाटी के पामोही गांव में अक्सर नाम का एक स्कूल है जहां पर ट्यूशन फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लिया जाता है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ भी पाते हैं और प्लास्टिक के कचरे की सफाई के साथ साथ इस कचरे का इस्तेमाल करके इको ब्रिक्स बनाई जाती हैं। यह स्कूल प्रमिता शर्मा नाम की एक महिला ने शुरू किया था, बाद में इसे ग्रीन स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा। गाइस, आपको प्रमिता शर्मा जी का ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।